हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई, कहते हैं कि जो लुक हमें किसी एक कल्चर पर नज़र आता है और बहुत ज़्यादा उनका लुक पसंद भी किया जाता है, जैसे कि पंजाबियों का लुक, सरदार का लुक, इनका कंपैरिजन जल्दी से किसी के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इनका स्टैंडर्ड दिखाया जाता है, इनका जो पहनावा दिखाया जाता है, इनकी जो बोली होती है, वो शायद ही इंडिया में किसी और कल्चर में नज़र आती है। क्योंकि पंजाब की लैंग्वेज या सरदारों की भाषा, पंजाबी बोलना इतना मिठास होता है कि अगर वो किसी से लड़ते भी हैं तो उसमें भी एक मिठास नज़र आती है। और बात करें जो उनका रुतबा दिखाया जाता है, काफ़ी रईसों ज़्यादा, या कहें कि जो उनके जो पहनावा होता है वो काफ़ी हटकर है। कहावत तो ये है कि पहले पंजाबी ही सूट पहना करते थे, लेकिन अब इंडिया में सूट का क्रेज़ इतना है कि हर कल्चर में जो है सूट पहने जाते हैं। पहले जो है अदर कल्चर में साड़ी होती थी या लहंगे होते थे या जो भी, तो अब आप अपने घर के आसपास या अपने घर में ही देखिए कि सूट का क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि कहते हैं कि भाई सूट पहले पंजाबी पहना करते थे और अब तो हर जो है कास्ट में या हर कल्चर में सूट पहना जाता है। ऐसे में इंडिया में जो मतलब ख़रीदारी या बिक्री जो होती है ज़्यादा सूटों की ही होती है, अकॉर्डिंग टू साड़ी के। पहले साड़ियाँ हुआ करती थी, अब सूट होते हैं। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, इजीली ही जो है लेडीज़ आराम से सूट पहन सकती हैं। ऐसे में जो है कहें अगर इनके स्टैंडर्ड का तो वो काफ़ी हाईली होता है। और अगर बात करें टीवी शो मूवी में भी काफ़ी जो है सरदारों के ऊपर मूवी बनी है, या ये कहें कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रहे हैं। ऐसे में अब फिर से एक शो आ रहा है सरदारों के ऊपर, जो कि दो कल्चर दिखाई देंगे, एक जो है आपका बंगाल का और दूसरा जो है आपका सरदार का, मतलब पंजाब का। तो ऐसे में दोनों के कल्चर डिफरेंट हैं, सोच अलग है। तो प्रोमो तो आपने देख ही लिया है, रब रखा था उसमें आपको फहमान खान नज़र आ रहे हैं, जो कि एक सरदार का लुक है। तो उनका कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड के सितारों से हो रहा है, जैसे कि आपके प्यारे जो हैं रणबीर कपूर से, अजय देवगन से, जो है काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन किया जा रहा है। तो उसी कंपैरिजन में जो है फैमान खान का नाम जो है जोड़ा जा रहा है कि उनके जैसा इनका लुक लग रहा है। लेकिन अगर आप छोटे पर्दे की बात कर रहे हैं तो छोटे पर्दे की ही बात को लेकर चलते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक शो ख़त्म हुआ है स्टार प्लस पे, तेरी मेरी डोरिया, जहाँ पे अंगद का लुक भी जो है सरदार वाला था। बहुत ही प्यारा लुक लगा था उनका और ना जाने कितने लोगों का दिल धड़काया था। यह कह सकते हैं कि 2023 का पॉपुलर शो बना है। और ऐसे में जो है उसमें भी वाइट कलर काफ़ी यूज़ किया गया था, शाइन वाला, पैसे वाइट पर। वहाँ पे दो कल्चर नहीं दिखाए गए थे, एक ही कल्चर को जो है मतलब दिखाया गया था। बहुत ही प्यारा शो था और कोई होगा जिसने ये शो नहीं देखा होगा, क्योंकि ये शो टॉप 5 में भी अपनी जगह बनाया है। लेकिन अगर मैं दोनों की कंपैरिजन करूँ कि मुझे विजेंद्र ज़्यादा अच्छे लगे थे या फैमान खान अच्छे लगे हैं, तो जो है दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन थोड़े से फैमान थोड़े से कॉमेडियन से लग रहे हैं। जैसे थोड़ा सा ही लुक दिखाया जहाँ पे जो है उन्होंने कुछ हल्का सा ही बोला है, लेकिन जो उनकी एंट्री होती है आईज़ को ब्लिंक करके जो है एंट्री अपनी हीरोइन को जो है इम्प्रेस करते हैं। और जो सरदार जो होते हैं ना, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट, जब वो अपने लुक में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो कि हमें अंगद में नज़र आया। वो रियलिटी थी कि जो एक होता है कि रियलिटी, लेकिन आज की डेट में जो है काफ़ी कॉमेडी वगैरह करते ही रहते हैं और काफ़ी कॉमेडियाँ भी बनती हैं और काफ़ी बनाते भी हैं। तो ऐसे में अगर मैं कंपैरिजन कर रही थी गूगल पे कि हु इज़ बेस्ट, फरमान खान या फिर विजेंद्रा इन सरदार लुक, तो ऐसे में अभी तो विजेंद्रा का ही नाम ऊपर आ रहा है, क्योंकि अभी इनका शो शुरू नहीं हुआ है और उनका शो ख़त्म हो गया है तो उसका रिव्यू काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो इसीलिए उनका नाम ऊपर आ रहा है। और अगर बात करें फैमान खान की, तो फैमान खान की जो है ट्विटर पे या किसी से कंपैरिजन बॉलीवुड के स्टारों से हो रही है, लेकिन वो भी टीवी पर है। इन फ्यूचर हो सकता है वो बॉलीवुड में भी अपने कदम रखे, लेकिन फ़िलहाल जो है जब शो शुरू होगा उसके 1 या 2 हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि उनके लुक और विजेंद्रा के लुक में कितना कंपैरिजन है। तो ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद है ये शो टॉप 5 में जगह बनाएगा और जो है
हाई बजट पैसा लग रहा है अभी तो, अभी तो एक रूम का ही दिखाया है, लेकिन जो ड्रेसें वगैरह हैं वो काफ़ी शाइनिंग पे दी गई है, लेकिन जो आगे का जो हीरो का घर दिखाएंगे सरदार टाइप से बड़ा सा, तो उस पर जो है फुल फोकस होगा, तो जितना बजट होगा उससे दुगना तो पैसा लाएगा ही। तो ऐसे में मुझे इसकी पूरी उम्मीद है जो गूगल पे इसके रिव्यू दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, विजेंद्रा और जो है आपके प्यारे फैमान खान, दोनों में से आपको किसका लुक ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनते हैं।